हाय गाइस, एक गुड न्यूज़ के साथ आपके सामने हूँ। मेरे स्टूडेंट्स, एक धमाका ऑफर ईद का दिया जा रहा है आप लोग को। आप ट्वेल्थ की पढ़ाई जो है ना, संपूर्ण इंग्लिश का तैयारी जो होगी आपको 4500 रुपीज नहीं होगी। अभी तक काफी जो था वो 4500 रुपीज था कंप्लीट करने का, अभी 45 में होगी। ये ईद का ऑफर आपको जो दिया जा रहा है ना, ये मात्र आपको 2100 रुपीज यानी 2100 रुपया में कंप्लीट की जाएगी। 45 का आपको हिसाब का नहीं भी होगा, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। खास कर जो ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं कटिहार में, वो एमपीएस स्टूडेंट्स में करना चाहूंगा। बहुत ही जबरदस्त ऑफर दिया जा रहा है, समझो 50% से भी ज्यादा आपको इसमें छूट मिल जाएगी, दिया जा रहा है। इसका अवश्य फायदा उठाएं। और सबसे मेन बात यहाँ क्या होगी ना, जितने भी चीज होगी आपको टोटल ट्रिकी वाइज पढ़ाई जाएगी। आपको बिल्कुल जो है ना कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ तक कि इंग्लिश में जो है ना, हम लोग जो ऑफ का डेटा कॉल्स याद करते हैं वो तक आपको याद नहीं करना होगा, वो भी आपको ट्रिक से सिखाया जाएगा। आप बस क्लास में बैठेंगे ना तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि एक एक चीज जो है ना अपने यहाँ ट्रिकी चलती है बढ़िया स्टूडेंट्स। और ये टाइम जो बेस्ट टाइम जिसका होगा ना, वो फिलहाल टाइम जो है 3 से 4:30 बजे क्लास, ये बैच एमडब्ल्यूएफ में भी होगी और टीडीएस में भी होगी। एमडब्ल्यूएफ में भी होगी और टीडीएस में होगी। 3 से 4:30 टाइम एडजस्ट किया गया है अभी, है ना। एक बैच मॉर्निंग टाइम भी बनेगा, है ना, ये बैच बनने के बाद, है ना। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक है, इंटरेस्टेड है और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो अजब गजब शॉर्टकट के लिए आप देखते नहीं इस क्लास में अवश्य आए, यू आर मस्ट वेलकम। और ये बैच बस 5 मई से स्टार्ट होने वाली है। 5 मई आपको याद रखेंगे, 5 मई से ये बैच स्टार्ट होगी 3 से 4:30 बजे। ये बात एमडब्ल्यूएफ और ट्रिकेस दोनों से रिलेटेड है डियर फ्रेंड्स। और ध्यान देंगे फी आपको बस 2100 रुपीज ही देना होगा। जबरदस्त ऑफर है ना, जबरदस्त ऑफर, लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी जबरदस्त ऑफर दिया जा रहा है अपने माध्यम से। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप इस टास्क को, इस ऑफर को आप समझ गए होंगे। एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग कोई भी पॉइंट पढ़ेंगे, है ना, तो वो ट्रिक कैसे होती है ध्यान देंगे यहाँ पे। जब वो पॉइंट में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट का नाम है स्वीटेस्ट गर्ल आई डू नॉट नो, स्वीटेस्ट गर्ल आई डू नॉट नो, है ना। इसके पोएट जो है ना, उसका नाम क्या है, जॉन डॉन। जॉन डॉन ने कंपोज किया इस पॉइंट को, है ना। आप भाई क्या केसर क्या इसको याद कर रहा हूँ, एग्जाम में तो 5 मार्क्स का फिक्स होता है ना, मैथिक में लिया ही जाता है जितने हम पोएट में पढ़ते हैं। और हमें तमाम बच्चों को याद करना होता है किस पॉइंट के पोएट का नाम क्या है। यहाँ पर एक ट्रिक किस तरह पढ़ा जाएगा आप लोगों को, यहाँ बैच में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, लव मतलब मोहब्बत, सब जानते हैं आप लोग, सारे कोई बच्चे होंगे लव नहीं जानते होंगे। लव मतलब मोहब्बत होता है, फिक्स होता है। और इसका पोएट नाम है जॉन डॉन। इसका बहुत सिंपल ट्रिक क्या दे दिया है ना, जॉन को जान समझ लेंगे हम लोग, जॉन को जान, और डॉन को क्या नाम है, दोनों समझ लेंगे, दोनों इतना एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। जॉन को जान, डॉन को दोनों। आप जानते हैं मोहब्बत में क्या होता है ना, दोनों एक दूसरे का जान होता है। मोहब्बत में क्या, दोनों एक दूसरे का जान होता है। अब बहुत आसानी से ऐसे टाइप का टोटल टॉपिक आपको दिया जाएगा, एक एक चैप्टर का, चाहे वो पोएट्री पार्ट का हो, प्रोज पार्ट का हो, स्ट्रोफ इंग्लिश का हो, ग्रामर का एक बात ही नहीं है, गजब गजब का ट्रिक है। कहीं से टेंस से पढ़ाएंगे मेरे स्टूडेंट्स, तो टेंस में आपको वर्ड एक भी सिस्टम स्ट्रक्चर याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वर्ड जानेंगे और फिर भी अंदाज से टेंस पढ़ेंगे। वही वॉइस, वही नरेशन, जितने भी चैप्टर हम लोग कराता है ना, डेमो क्लास के लिए है मेरे डियर स्टूडेंट्स। 2 दिन डेमो क्लास देंगे, आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम।
इस अंदाज का फायदा निश्चित उठाइए, है ना। बहुत गजब गजब का अंदाज है सर, ये माइंड आ गया होगा ना। सुटेस्ट का मोहब्बत में क्या दोनों एक दूसरे जान होती है, एग्जाम में आता है आवर्ती में, वो हैज कंपोज द पोएम सुटेस्ट का आई डोंट गो, तो ऑप्शन होती है, थ्री ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, एक जो होगा उसका नाम दिया जाएगा, टीआर सीक्रेट दे दिया जाएगा, हम पे जीबी 100 दे दिया जाएगा, है ना। उसके बाद आपको गंगा दास का नाम दे दिया जाएगा या आपको वाल्टर डिगा बर्गर दे दिया जाएगा, एक ऑप्शन वहां पर जॉन डॉन रहेगा। आपको याद नहीं है बस वो जान जॉन जान, और जान क्या होता है, मोहब्बत में जान होता है। बस देखेंगे प्रकाश वहां पर एबीसी जो भी होगा ना, जहां दिया जाए ना वन टाइम आप सेट कर पाएंगे, कंफ्यूजन चीज का तो बिल्कुल नाम ही नहीं होगी वहां पे। उसी अंदाज से यदि हम एक फोज पार्ट का बात करें, जैसे फोज में हम पढ़ते हैं दीघा अर्थ मान के चलिए, लिखा है इसको एचीवर्स में, यह अनुवाद कहानी पार्ट से दिया हुआ है, तो दी अर्थ किसने का एचीवर्स में है, आई अर्थ मींस जानते हैं सब पृथ्वी होता है ना, एचीवर्स यहाँ पे बी ए टी को बैट, बैट को समझ सकते हैं, ऐसी बैट्स को बी ए टी यहाँ बैट या से हटा देंगे, तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी यहाँ पे यहाँ बैट, जैसे आप किसने लिखा है तो हम बैट बॉल खेलते हैं ना, बैट कहाँ पर रखते हैं, जमीन पे धरती पे, बैट से कनेक्ट कर देंगे, क्यों समझ में आ जाएगा, कहा याद करेंगे, क्यों कंफ्यूजन होगा, यदि आप किसने लिखा है आप याद करते हैं मेरे फ्रेंड्स, आप कंफ्यूजन होते हैं कि ये था कि वो है कि ये है, उसमें क्या होता है 50 में 50 सही नहीं भी होता है, है ना। कि आप कोई ट्रिकी वाइज पढ़ेंगे ना, इतना यकीन कीजिए 50-50 आना ही है, आएगा ही, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ना, बैट बॉल खेलते समय बैट क्या करते हैं जमीन पे, बीएटी बैट क्वेश्चन सही आंसर निकालती है, टेंशन हट गया, बहुत जबरदस्त अंदाज सब है, है ना। कोई भी पॉइम याद करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, इतना जबरदस्त अंदाज में समझाई जाएगी तो क्लास में ही समझ में आ जाएगा, क्लास नहीं आना है ना। आई होप यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आइए 5 मई का आपको इंतजार है, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा, उस पर आप फोन करके आप आ सकते हैं, इसमें एड्रेस में दिक्कत होती है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो देखे हुए हैं यू आर मोस्ट वेलकम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।